हाँ मेरी बेटी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अम्मी मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ। अम्मी मैं बहुत अकेली हो गई थी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, मैं भी तुम्हारे बगैर तन्हा और अकेली थी। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे पास आ गई हो ना। अब मैं तुम्हें खुद से अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सो जाओ। बस तुम दोनों को ना अपने सैर सपाटों की पड़ी है, मगर जो बेटी घर में बीमार पड़ी है उसकी कोई फिक्र नहीं है। और ये उम्मीद कहाँ है, वो क्यों नहीं आई साथ? हे लो, इसे क्या कह दिया मैंने, जो रोती भी चली गई। अम्मी उम्मीद, उम्मीद पता नहीं कहाँ चली गई है। मगर वो तो फरजाना बेगम के पास थी ना, कहाँ चली गई है? खो गई वो अम्मी, बहुत ढूंढा उसे, कहीं पता नहीं चल रहा। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। हाय अल्लाह, हाय मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, अरे पता नहीं कहाँ धक्के खाती फिर रही होगी, कहाँ चली गई। अब देख लो, देख लो, तुम्हारी सास एक दिन ना संभाल सकी उसे। ये मारुख भी लापरवाह थी और उसकी नानी भी लापरवाह ही निकली। अम्मी इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, आप बस दुआ करें कि वो मिल जाए और वापस आ जाए। मैं दोबारा उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जा बेटा जा, मेरी बच्ची को ढूंढ के ला, और अल्लाह करे राही मिले, वो तो अच्छा है। शुक्र है जान छुट्टी मनु से, मैं तो कहती हूँ कहीं मर कर पीछे।